स्नेल स्लॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम इसका सॉल्यूशन क्विकली डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। हमें दिया है एक रे वाटर से एयर में मूव हो रही है, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है और रिफ्रैक्शन होने के बाद एंगल आर बना रही है। यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो हम स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं एन वाटर इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन एयर इंटू साइन आर। आई हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू 3/5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा साइन आर इज इक्वल टू 4/5, तो हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5।